मथुरा पीयूष पुत्र डालचंद गांव व पोस्ट अकबरपुर तहसील छाता जिला मथुरा निवासी, जिसका एक महीने का पुत्र पीयूष की अचानक तबीयत खराब होने पर गांव से पीआर हॉस्पिटल मसानी रोड लिंक मथुरा पर एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने आनंद फानंद बताया कि इस बच्चे को एबी पॉजिटिव खून की आवश्यकता है। पिता ने अपना टेस्ट करवाया तो पता चला ये ग्रुप उसका ही है, लेकिन टेस्ट करने पर पता चला कि वह हेपेटाइटिस बीमारी से पीड़ित है। इसके कारण वह अपने पुत्र को खून नहीं दे सकता। उसने काफी प्रयास करने के बाद जब उसे कोई डोनर नहीं मिला तो मथुरा के सभी ब्लड बैंकों के चक्कर लगाने के बाद भी किसी भी ब्लड बैंक में एबी पॉजिटिव नहीं मिला, क्योंकि ये ग्रुप रियर ग्रुपों में से हजारों लोगों में से एक में मिलता है। इसकी खबर ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित को पता चली तो उन्होंने एक मुहिम चलाई और एबी पॉजिटिव ब्लड अपनी टीम से महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष व वार्ड नंबर 66 की पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा से मिल गया। प्रदेश अध्यक्ष व पार्षद श्रीमती श्वेता शर्मा ने लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक मथुरा पर पहुंचकर ब्लड बैंक के निर्देशक ब्रजेश शर्मा के निर्देशन में अपना रक्त देते हुए बच्चे की जान बचाई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शर्मा, महासचिव चंद्रमोहन दीक्षित, महासचिव लक्ष्मीकांत शास्त्री आदि लोगों ने ब्लड बैंक में पहुंचकर श्रीमती श्वेता शर्मा को सराहनीय कार्य के लिए बधाई के साथ टीम की तरफ से उत्साहवर्धन किया। मैडम, जो आपने यह रक्तदान किया है, किसके लिए किया है आपने? जी, ये लाइफ केयर चैरिटेबल ब्लड बैंक है जहाँ पे पहले भी एक कैंप हुआ था। तो कैंप में जब मैं आई थी तो मैं यहाँ पर बोलकर गई थी कि जब किसी को ज़रूरत हो, क्योंकि मैं हर 3 महीने बाद ब्लड देती हूँ, उस समय तक 3 महीने नहीं हुए थे, तब मैं लिखवा के गई थी अपना नंबर कि अगर किसी को मेरे ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है तो आप आधी रात भी कॉल करें, मैं ज़रूर आऊँगी। तो आज यहाँ से लाइफ केयर चैरिटेबल ट्रस्ट से ब्रजेश शर्मा जी का मेरे पास में फ़ोन आया, तो मैंने उन्हें बोला ठीक है मैं 10 मिनट में वहाँ पर पहुँचती हूँ। तो बस एक छोटा सा बच्चा है जिसके मदद के लिए मैं यहाँ पर आज उपस्थित हुई हूँ। त्रिजी, आज किस प्रकार से आगमन आपका हुआ ब्लड बैंक में? हमें हमारे मित्र ब्रजेश जी के द्वारा और पता चला कि एक व्यक्ति हैं डालचंद जी के नाम से, जिनका एक बच्चा बहुत ही क्रिटिकल अवस्था में और पीआर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको ब्लड की आवश्यकता है। तो हमारी टीम को पता चला तो हम सब लोगों ने ब्रज यातायात जन जागरूकता समिति एवं लाइफ केयर ब्लड बैंक के तत्वाधान में हमारे सभी सदस्यों ने मिलकर के फिर हमारी ग्रुप को तलाशा गया कि कौन सा ग्रुप का बच्चा है जो ब्लड दे सकता है। तो हमारी टीम से ही हमारी पार्षद जी श्वेता शर्मा जी को पता चला और उन्होंने आकर के उस बच्चे के लिए रक्तदान किया। ऐसे कई लोगों की मदद हमारी लाइफ केयर ब्लड बैंक के द्वारा समय समय पर होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी, और ये तभी संभव हो पाएगा जब ऐसे रक्तदाता आकर के इसमें अपना ब्लड दान करें जिससे हम अन्य गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकें।